हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे अपने गार्डन का और भी कौन कौन से प्लांट हैं, सभी के जो नेम है आपसे शेयर करूंगी। और सबसे पहले देखिए, एग्लोनीमा का प्लांट है। और एग्लोनीमा जो है गर्मियों में अच्छे से ग्रो करता रहता है, नवंबर में भी ये अच्छे से चलेगा, और जैसे ही दिसंबर जनवरी आएगा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो थोड़ी सी इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और तब इसकी कैसी केयर करनी है वो मैं आपसे वीडियो बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी। और इस समय यही है कि इसको पानी कम देना है, तो ये इसको कुछ भी नहीं होगा, सालों साल के लिए ये सेव हो जाता है। और उसके बाद देखिए, ये डैफन बेकिया है, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। अगर हम इसकी जो अच्छे से केयर करते हैं, पानी कम देते हैं, तो इसको कुछ भी नहीं होता है, अच्छे से ये चलता रहता है हमारे गार्डन में। ये रिबन ग्रास है और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो एक दो घंटे की धूप में बहुत ही अच्छे से चलता है और पूरा साल इसी तरीके का बना रहता है। और समर सीजन में इसमें फूल भी आते हैं। और सिंगोनियम है, तो सिंगोनियम तो पूरा साल इसी तरीके का हरा भरा जो है हमारे गार्डन में, इंडोर में जहाँ भी रखें अच्छे से चलता रहता है। और ये देखिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, तो इसकी भी जो ग्रोथ अभी तक जो है अच्छी ही चल रही है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो ये परमानेंट प्लांट होता है, सालों साल इसी तरीके का बना रहता है, अच्छी ग्रोथ जो है समर में होती है। और ये देखिए, मेरे कुछ कोलियस के प्लांट हैं और इनको भी जो है अभी मैंने ऐसी ही जगह रखा है जहाँ दिन भर इनको जो है अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है, एक दो घंटे की धूप भी मिलती है, मगर थोड़ी ही दिनों में इनको मैं ऐसी जगह शिफ्ट कर दूंगी जो जहाँ इनको जो है ज़्यादा समय की जो है धूप मिले और जो है कोहरा भी जहाँ इन पर ना पड़े, तो ऐसी जगह मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी। और उसके बाद देखिए, फाइकस का प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया था, और डैफिन बेकिया है, चेन प्लांट है, मनी प्लांट है, और बंटिंग जू मैंने प्लांट यहाँ रखे हुए हैं। तो ये स्नेक प्लांट है और ये देखिए, इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी अभी तक हो रही है। और जैसे ही सर्दी आएगी तो आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ इसको जो है ठंड का जो है असर इस पर ज़्यादा नहीं पड़े, और शेडेड प्लेस में रखिए जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट हो, और इंडोर में भी रख सकते हैं, तो ये प्लांट जो है इसको कुछ भी नहीं होगा सर्दियों में। वैसे भी ये हार्डी प्लांट है, अच्छे से चलता रहता है सर्दी हो गर्मी हो। उसके बाद रबड़ प्लांट है और मनी प्लांट है, तो अभी तक तो इनकी जो ग्रोथ है सभी की अच्छी ही चल रही है। और ये देखिए, मेरे क्रोटोन के प्लांट हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं अभी नवंबर मंथ में, क्योंकि दिन में जो है अच्छी धूप होती है, तो सुबह शाम ही अभी थोड़ी सी ठंड बढ़ने लगी है, मगर दिन में अच्छी धूप होती है तो धूप इनको अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है, कुछ समय की धूप भी मिलती है, तो अभी तक तो ये अच्छे से ही ग्रोथ करेंगे। इनके लिए मुश्किल टाइम होता है दिसंबर एंडिंग या जो जनवरी का मंथ हो, जब बहुत ज़्यादा ठंड या कोहरे वगैरह पड़ते हैं, तब इसको जो है आप थोड़ा सा कोहरे और ठंड से बचाएंगे तो इनको कुछ भी नहीं होता है। और पानी बिल्कुल इनका कम कर देना है अभी, जब इनकी जो लीव्स हैं वो थोड़े से झुक जाएं तब आप इनको पानी दीजिए, नहीं तो पानी इनको ज़्यादा नहीं देना है, तो नहीं तो ये पूरा साल इसी तरीके के आपके पास बने रहेंगे। और मैं भी इसी तरीके से इनको जो है अभी पानी बिल्कुल इनका कम कर दिया है, जब लीव्स झुक जाती हैं तब मैं इनको थोड़ा थोड़ा जो है पानी देती हूँ, ज़्यादा पानी मैंने इनको इनका जो है बिल्कुल बंद कर दिया है, तो इसी तरीके से जो है मैं इनको हर साल जो है सेव कर लेती हूँ और ये अच्छे से मेरे पास बने रहते हैं दो तीन चार सालों से। तो उसके बाद देखिए, ये है फाइकस का प्लांट है, इसको स्टार लाइट फाइकस बोलते हैं या सुपारी, इस तरह का भी इसका कुछ नाम होता है, तो ये भी बहुत ही अच्छे से चलता रहता है, मगर जैसे ही थोड़ा सा मौसम ड्राई होता है तो इसके जो लीव्स हैं थोड़े से जो सूखना शुरू हो जाते हैं, और ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ आपको, नहीं तो ये अच्छे से चलता रहता है। और थोड़ा सा आप इसके पत्तों पर जो थोड़ा सा स्प्रे करते रहिए समर सीजन में, तो मैं तो अभी भी इस पर करती हूँ। तो ये देखिए, एक और स्टार फाइकस की ही टाइप है, इसको ट्रायंगुलर फाइकस बोलते हैं, बहुत ही हर्ट शेप्स के इसके जो लीव्स होते हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए, मेरे कुछ और प्लांट है, ये फुटबॉल लिली है, इसके अभी लीव्स ही हैं, और कुछ जेड के प्लांट मैंने रखे हैं, कैलांचू के प्लांट रखे हैं, गोम्फ्रीना है, बिगोनिया है, और इम्पेशंस है जो मैं अभी कुछ दिन पहले ही नर्सरी से लाई थी। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये फूल दे रहे हैं जहाँ इनको कुछ समय की ही धूप मिलती है और अच्छे से ये चल रहे हैं। ये है पोनीटेल का प्लांट, ये पाम की एक टाइप होती है, बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस ये पाम की टाइप होती है। और उसके बाद देखिए, गोल्डन साइप्रस या जूनिपर प्लांट, और ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। यही है कि आपने इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, सर्दी के दिनों में भी और गर्मी के दिनों में भी, एक आधे घंटे की या दो घंटे की धूप इसको सर्दियों में मिल जाए और एक आधे घंटे की जो धूप है गर्मियों में, तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ करता रहता है प्लांट और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये।
तो ये देखिए मेरे पास इस तरह के इसके दो प्लांट हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं साथ में रखे हुए। और ये देखिए बॉटल पाम है, तो इसको मैंने 1 साल पहले लगाया था, तो इसकी हाइट काफ़ी बढ़ गई है और बड़े कसे गमले में मैंने इसको लगाया हुआ है, तो इसकी हाइट जो है 4-5 फीट हो गई है और देखने में बहुत ही ये खूबसूरत लगता है पाम का प्लांट। और कुछ जहाँ ड्रेसिना की भी मैंने टाइप्स रखे हुए हैं ड्रेसिना के प्लांट, तो उन सभी के जो है कुछ कईयों के डार्क कलर हैं, कईयों के ये देखिए ग्रीन कलर है। तो ड्रेसिना भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो बहुत ही कम केयर में चलता है और उतनी ही खूबसूरती हमारे गार्डन में ऐड करता है। इसको आप इंडोर में भी रख सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए डेवल्स बैकबोन है, तो अभी तक तो ये अच्छे से ये चल रहा है, मगर जैसे ही बहुत सर्दी कोहरे वगैरह पड़ेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़े थोड़े जड़ना शुरू हो जाएंगे। तो कमेलिया का प्लांट है, काफ़ी अच्छे से इस पर कलियाँ बन रही हैं और फरवरी मार्च में खिलेंगे फूल। तो ये देखिए शेफलेरा है, तो शेफलेरा भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहता है पूरा साल, और मेरे पास ये काफ़ी लंबे समय से है, 10-12 साल जब उससे भी ज़्यादा से ही होगा। और ये देखिए क्रिसमस ट्री है, तो क्रिसमस ट्री भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जो पूरा साल हमारे गार्डन में इसी तरीके का हरा भरा जो है बना रहता है। तो इस तरह का भी जो प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही कम केयर में ये प्लांट जो है चलता है। ये देखिए ये भी एक ड्रेसिना की ही टाइप है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये कलरफुल लीव के साथ जो है, इसमें बंच में अगर हम जब हम कटिंग कर दें तो एक ब्रांच से दो ब्रांचेस निकलती हैं, तो बंच सा बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक ये देखिए एक और ड्रेसिना का प्लांट है, और इसकी जो लीव्स हैं थोड़े से डैमेज हुए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे इधर एरिया में बहुत ही ओले वगैरह पड़े थे, तो उससे मेरे बहुत सारे जो प्लांट खराब हुए थे, तो उनमें से ये एक ड्रेसिना का भी प्लांट है। तो ये देखिए एक और ड्रेसिना का प्लांट है, ये ड्रेसिना मार्जिनाटा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये भी और कम केयर में ये चलते हैं। ड्रेसिना के जितने भी प्लांट हैं इंडोर में रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है ड्रेसिना के प्लांट, अच्छे से गमले में लगा के आप इनको इंडोर में सजा सकते हैं। और ये देखिए फाइकस का भी ऐसा ही एक प्लांट है जो कम धूप में चलने वाला है, इसको अच्छी ब्राइट लाइट में रखेंगे, 1 आधे घंटे की धूप मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। और उसके बाद मेरे लगे हुए छोटे छोटे गमलों में प्लांट स्नेक प्लांट है, सिंगोनियम है और फिर से हवर्थिया है, तो स्नेक प्लांट है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे गमलों में मेरे लगे हुए ये प्लांट हैं, कुछ कप्स में लगे हुए हैं। ये देखिए वंडरिंग जू है, पर्पल हार्ट है, स्पाइडर प्लांट है, तो इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हैं छोटे छोटे गमलों में कप्स में, अच्छे से ये चलते रहते हैं। और ये देखिए एक और मेरा ड्रेसिना की ही एक ड्रेसिना की नहीं पाम की एक टाइप है, बहुत ही कम केयर में ये चलता है। और ये देखिए ये जूका की एक टाइप है, बहुत ही जो खूबसूरत लगती है, वेरिएटेड जूका है। इसके लीव्स पर जो कांटे होते हैं इतने तेज नहीं होते हैं, सॉफ्ट ही होता है ये, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।